ग्रोफर्स में हम क्या करते थे, शुरू शुरू में हमारे पास खुद की इन्वेंट्री नहीं थी, तो हम दुकान से उठा के सामान कस्टमर को पहुंचाते थे। तो हुआ क्या, कंपनी थी आई से ऑर्गेनिक्स करके, वो ऑर्गेनिक सब्जियां बेचती थी दिल्ली में, और हमने उसको ऑनबोर्ड किया। तो उसके मालिक ने चेक करने के लिए एक दिन शाम को अपने ही घर से ऑर्डर किया अपनी दुकान से सामान, और उस दिन हमारे 30 ऑर्डर आ गए थे, तो हमारी फट गई थी, मतलब 2015 में 30 ऑर्डर भी बड़ी चीज़ होती थी, तो हमारा सिस्टम फट गया था, सब कुछ फट गया। तो हमारे मैनेजर ने क्या करा, किसी लड़के को बोला भाई सब्जियां ही तो हैं, कहीं से भी लेके दे दे। तो भाई साहब वो लड़का गया, उसने कोई नॉर्मल सब्जी वाले से जो हमारा पैनल था सब्जी खरीदी और इन साहब के घर पहुँचा दी। अब उस साहब को पता है मेरे यहाँ से तो माल आया नहीं, उठाया ही नहीं, तो उनको तो फितूर चढ़ गया, ये तो साले तुम मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हो। उन्होंने थाने में केस कर दिया। ये संडे को हुआ है। मंडे को मैं ग्रोफर्स ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं अगले दिन सुबह आया, बोल रहे हैं यार कल पंगा हो गया है, सॉल्व कर दे। मैं बोला ठीक है। तो मैं बोला करना क्या है, कह रहा एंटीसिपेटरी बेल चाहिए। मैंने बोला साले मैं अपने एमएक्स की नौकरी छोड़ के आया हूँ, तो मेरे क्या काम करा रहे हो। तो ठीक है, मतलब मेरा फर्स्ट फोल्डर ऑन माय न्यू लैपटॉप वाज एंटीसिपेटरी बेल। तो 500 रुपए की सब्जी है, उन्होंने बोला जी इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है, इनको मेरे दुकान से उठानी थी, कहीं से भी उठा के मेरे नाम पे बेच रहे हैं। तो मैं जाके साकेत कोर्ट से बेल ले आया। बेल भी क्या होती है, वो 420 में होता है कि आपको 7 दिन की मोहलत मिलेगी पुलिस के आने से पहले। अब मैं ये सोच रहा 7 दिन की मोहलत क्यों दे रहे हो साले, 6 दिन तो मैं जलते ही रहूंगा ना, मतलब कब 7वें दिन उठाने आ रहे हो, मैं 6 दिन में क्या कर लूंगा। होता क्या था, मैं इधर सॉफ्ट बैंक से बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ कि हम ये बना लेंगे, हम वो बना लेंगे, फ्लिपकार्ट से बड़ी कंपनी हमारी, ठीक है, और बाद में आ रहे जी इनका 500 रुपये का केस चल रहा है। तो मेरे को बड़ा पेन होता था, मेरे को ना FIR कॉश करानी है, ठीक है। तो मैं एक वकील के पास गया, वो साला निकला जॉली LLB का भाई, ठीक है। वो भाई 8 बजे मेरे को बुला रहा है कॉन्फ्रेंस के लिए, पूरा धुत, बोल रहे जी ग्रोवर साहब छड्डो ये क्या है, 500 रुपये का केस, मैं रफा दफा करना है। मैं बोला ठीक है जी आप कर दो कल रफा दफा। वो साला अगले दिन खुद ही रफा दफा हो गया। मैं केस हार गया हाई कोर्ट में। तो अब मेरी फटने लग गया, बोले ये साला स्टार्टअप में आए हैं, यहाँ पे सॉफ्ट बैंक को जवाब देना है, ठीक है, 500 रुपये का केस नहीं सॉल्व हो रहा। तो मैंने एक अच्छा वकील रखा, उसने किसी तरह करके हाई कोर्ट से रफा दफा करा दिया, हम हार गए हाई कोर्ट में, मतलब खुद स्ट्रैटेजिकली हम हार गए। फिर मैं गया सुप्रीम कोर्ट, 500 रुपये का केस है, 25 लाख रुपये मैं खर्च चुका हूँ हाई कोर्ट में। अब मैं जानू सुप्रीम कोर्ट, अब मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, एक बड़े फेमस लॉयर गोपाल सुब्रमण्यम, वो अटॉर्नी जनरल जो भी होते हैं इनके बड़े आदमी, वो रह चुके हैं। मैं उसको केस सुना रहा हूँ, हंसे जा रहे हैं, 15 मिनट हंस रहा है वो। मैंने बोला हो क्या क्या, कह रहा है नहीं केस यही है। मैं बोला हाँ जी यही, और क्या केस है, 500 रुपये की सब्जी थी उसकी दुकान से उठा के कस्टमर को देनी थी, दूसरी दुकान से दे दी, उसने केस कर दिया। वो बोल रहा है कौन से जज के सामने लगा है सुप्रीम कोर्ट में केस, वो लगा था कहर सिंह। तो बोल रहा है यार कल तो कुछ भी हो जाएगा, तो ये समझ ले तेरा कहर सिंह ना तेरा कंप्लेनेंट है, मतलब उसका दिमाग भी वैसे ही चलता है। तो मैंने बोला यार तो बड़ी लग गई, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाके भी हार के आएंगे 500 रुपये के लिए, तो मतलब लानत है। कोर्ट में गए, मेरे से पहले 13 केस लगे। इधर वकील बोल रहा जनाब, उधर ऐसे ठक करके आवाज़ आ रही है, कहर सिंह फाइल उठाता था ऐसे नीचे फेंकता था, ठक खत्म, केस खत्म, ठीक है। 13 केस ऐसे गए हैं, जनाब ठक, जनाब ठक, मेरी ओर लगी जाए। अब हमारा केस आया, गोपाल सुब्रमण्यम बोल रहा है सर दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस ऑफ माई लाइफ। तो कहर सिंह ने फाइल तो उठा ली थी फेंकने के लिए, तो उसको लगा मैं भी बोर हो रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, गोपाल सुब्रमण्यम बोल रहा है इसका इंटरेस्टिंग केस ऑफ लाइफ है, सुन लेता हूँ 2 मिनट। उसने फाइल वापस रख दी। तो बोलता है जी आप मेरे को बताओ, आम वाले ने आम बेचा आपको, बोला जी बहुत मीठा है, मीठा नहीं निकला, ठीक है। अब हिंदुस्तान में सब जाके FIR करते रहेंगे, जुडिशियल सिस्टम ये बना रखा आपने, ठीक है। कहर सिंह सुनता रहा, तब भी उसको वो नहीं हुआ। फिर गोपाल सुब्रमण्यम बीइंग एंड सुप्रीम कोर्ट ना ऐसे मैटर पे नहीं डिस्कस करता, वो कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कस करता है मैटर्स। तो गोपाल सुब्रमण्यम वॉज वेरी स्मार्ट, ही सेड नो दिस इज अ मैटर ऑफ लॉ, वेयर आर द वेजिटेबल्स। एंड मैं सोच रहा हूँ मजाक कर रहा है क्या कर रहा है, कह रहे नो 420 का केस है, किसी की प्रॉपर्टी पे किसी और ने कब्जा किया है, प्रॉपर्टी का है, तो पुलिस हैड टू वो जो सब्जियां थी उनको प्रिजर्व करके रखना था। एंड एक्चुअली वी वन द केस ऑन दिस पॉइंट।
एंड तब तक मेरे 32.5 लाख रुपए लग चुके हैं। सॉफ्ट बैंक से मैं 5 बारी गाली खा चुका हूं एंड इसलिए मेरे को वकीलों से कोई प्रेम नहीं है।